हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ क्योंकि कुछ घर में काम था और मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो गया था, इसके कारण से मैं एक वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं जा रहा हूँ बगली, जो बेमेतरा ज़िले में है, दादी जी को लेने। और दादा जी का स्कूटर में हूँ, नूना में, ये देख लो। और हेलमेट लगा लिया हूँ सर पे, धूप है अभी अभी दोपहर का हो रहा है, 1 बजने वाला है समथिंग। तो बने रहिए ब्लॉग में और लास्ट तक ज़रूर देखना। और चलो दिखाते हैं, यहाँ तो कोई शहर पड़ेगा नहीं, टोटल गांव एरिया पड़ेगा रोड में, पूरा बगली तक जाते जाते। तो बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। आप लोग देख सकते हो हम निकल गए हैं, रोड पूरा खाली है और सीढ़ी रास्ते भी जाते जाते मुंगेली मुंगेली से नवागढ़ होते हुए हम लोग के बाईपास है और रोड भी ठीक ठाक है, मेन रोड बना हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बाईपास से निकल गए हैं क्योंकि हमको तो जाना ही है, वहाँ बाईपास से हमको कम दूर पड़ेगा और रोड खाली भी रहेगी। तो हम तो बाईपास से ही चले ऐसा करके। तो यार यहाँ तो कोई सीढ़ी नहीं पड़ेगा, पूरा खाली है, आप देख लो। अभी ये गर्मी धान लगा हुआ है, ये हम लोग के गाँव के आने वाले गाँव में है। तो ये कौन सा गाँव है, ये गाँव का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ के बच्चे इस पढ़े हैं, मेरे फ्रेंड थे यहाँ। तो बने रहिए वीडियो में और इंटर करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना। हूँ मैं टेढ़ा धौरा में, यहाँ बाजार वाजार भी लगता है, पीछे देख सकते हो पूरा गांव एरिया है, बैलगाड़ी खड़ा है इधर, और ये क्या है बताओ, भैंस खड़ी है एक इधर। तो यहाँ मतलब संडे या कौन सा दिन है, लेकिन मार्केट होती है यहाँ, कौन सा दिन है पता नहीं। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, आप लोग को ऐसे ही मेरे चैनल में गाँव से रिलेटेड और गाँव से रिलेटेड ब्लॉग मिलेगा। तो देख सकते हो पूरा बाड़ी बाड़ी बना है, रोड है, बीसी में जाना है। अब अपने गांव एरिया से पीछे जो रोड दिख रहा है अपने, मैं गांव से लगभग अभी आ गया हूं मैं 8 से 10 किलोमीटर आगे, और यहां से हम लोग के गांव एरिया सब रिश्तेदार जो हैं सब कम हो जाते हैं। अब इधर हमको जाना है और आगे, तो बने रहिए वीडियो में। और आपको दोनों ही तरफ खेत ही खेत नज़र आएगा, क्योंकि गाँव एरिया में तो बस खेत ही नज़र आता है, पूरा इसमें चना लगा हुआ है, इसी में गेहूँ लगा हुआ है, और दोनों रोड के किनारे आप देख सकते हो पेड़ ही पेड़ नज़र आएगा। बहुत मजा आता है गर्मी के जाना घूमना, क्योंकि रोड और एकदम शांत रहता है, कोई गाड़ी वाड़ी का टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम शांत रहो, बताया मतलब जाना है, जाओ पहुँच करो, ऐसा नहीं आता, रोड भी एकदम शांति है, कोई भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, इधर जहाँ जाना आप जा सकते हो, आप देख सकते हो कितने जाना लगा है, कितना गेम लगा है। तो मजा आता है, बचपन में पहले साथ में बैठ के बैठ के जाना होता था, तो क्या जो पुराने बचपन का दिन हो। तो यार तालाब को देख सकते हो, हमेशा ही पानी रहता है, सूखता उगता नहीं है कभी, है हमेशा मैं जाता हूँ तो देखता हूँ हमेशा फुल पानी रहता है, बहुत लंबा चौड़ा तालाब है ये चारों तरफ, ये मैं मतलब तालाब के पास है, उसमें गाड़ी चला रहा हूँ, नीचे रोड है जस्ट इसके बगल में, क्योंकि रोड में भी जा रहा हूँ, क्योंकि सामने रोड टर्न हुआ है, तो टर्न है थोड़ा घुमाया खेत के बाद, तो ये शॉर्टकट है मतलब ये बाहर में, तो इसी में लेकर जा रहे हैं। तो देख सकते हो रोड बड़ा सुंदर बना है, ये मस्त लग रहा है, पानी पानी रोड में, और धान कटाई के बाद पैर जो है रख दिया है रोड किनारे, ये सब थोड़ी चना और गेहूँ अभी चना गेहूँ जाना है, चना गेहूँ लगा है तभी कहते हैं रोड ही एकदम खाली के बनाया, मस्त लगा रोड और खाली रोड एकदम सुल्तान एकदम। भाई साहब आप लोग देख सकते हो, तो ये पूरा हनी भी है, मधुमक्खी पूरा लगा हुआ है छत्ता, और इधर पूरा आपका टमाटर का खेती किए हैं यार, एक तरफा देख के दिल खुश हो गया पूरा, ये लगभग होगा 5-6 एकड़ से ऊपर में ही होगा, 7-8 एकड़ के आसपास। और मैं पहुंच गया हूँ दादी जी का गांव, ये सामने उसी का गांव है, और एक तरफा खेती किए हैं यार, दिल खुश हो गया। और ये नदी किनारे देख सकते हो भाई साहब, कितना कतई जो है पूरा फसल लगाए हैं, पहले नदी में बहुत पानी बढ़ता था, अभी भी है पानी है, पानी है इसमें देख सकते हो। ये बच्चे चलो क्या बीन रहे, पूछता हूँ क्या बीन रहे बेटे, तुम लोग क्या बीन रहे हो, गोबर लोग गोबर बीन रहे, देखो इतना धूप में असर मार रहे हैं लोग। ये बगली है ना सामने वाला गांव, साइकिल मेरे को चोट यही लगा था साइकिल चलाते हुए, मैं उस दिन सीखा ही था साइकिल चलाने, तो बहुत खुशी खुशी मैं तेज पहुँच चला रहा था साइकिल को, उधर को बहुत चोट आई थी, बगली बगली पहुँच गए दादी जी का गाँव फाइनली, अरे खाने बता यहाँ देखते हो, हाँ अच्छा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत दिन बाद आ रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। तब हम निकल रहे हैं बगली से, और ये है दादी जी, और दादी का गाँव है, तो दादी का भाई लोग का घर है ये, और सब अभी गए अपने अपने काम से, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी शाम का समय है, हम घर जाने के लिए निकल गए हैं, तो देख सकते हैं रोड भी खाली है मस्त, तो एकदम बादल किया है, लेकिन आज क्लाउड है, क्लाउड है अभी, और बोल रहे थे कि हम लोग के गांव तरफ बारिश हो रहा है, घर से अभी कॉल आया था, तो इधर अब क्लाउड है, निकल गए हैं हम लोग जाने के लिए, बस 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे घर। और सामने हरदी है, ये हरदी गांव है, वो भी बहुत बड़ा गांव है, देखिए आप लोग,
काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है गाँव। हम देख सकते हो घर वर भी अच्छा खासा बन गया है। बड़ा एरिया भी है गाँव का। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।